आज का ये प्रोटेस्ट एक काला कानून पीएमसी ने मंजूर किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक काला कानून जो मंजूर किया पीएमसी, हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। हम इंशाल्लाह इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। ये काला कानून है, ये कहाँ का कानून है कि 5 साल पहले हम प्रॉफ्स दें उसके बाद हाउस ऑफ करें उसके बाद फिर एक एनाली हमारे ऊपर लगा दिया है। ये इन्होंने अमेरिका वाला सिस्टम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदारा पहले अपने इंस्टीट्यूट को तो बिल्डअप करें, अपने एजुकेशनल सिस्टम को तो बिल्डअप करें। ऐसे ही अमेरिका का कानून कैसे हमारे ऊपर लागू हो सकता है? हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं, अमेरिका की ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं। आप एक बना बनाया कानून उठा के हमारे ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, ये जमहूरियत का दौर है, जमहूरियत के दौर में काला कानून पास नहीं होता ऐसा। ठीक है, अगर माशाल्लाह होता तो आप रातों रात लगा देते, उसके बाद अगले दिन आप इम्प्लीमेंट करवा देते। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है। रातों रात आपने पार्लियामेंट जब पास नहीं कर पा रही है तो आप इसको ऑर्डिनेंस के तौर पर ला रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हम जब तक हमारी जान है हम इसे रिजिस्ट करते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। आखिर में हुकूमत वक्त और वो तमाम करता दरता जो लोग हैं उनसे ये दरखास्त करता हूं कि इस तरह के काले कानून जो हैं वो मुल्क में क्रीम ऑफ द नेशन पे लागू नहीं हो सकते। हम किसी सूरत ऐसे किसी कानून को नहीं मानते, और अगर ऐसा कोई कानून बनेगा ओवरऑल डेड बॉडीज। थैंक यू वेरी मच। सुन ले बेटा, जस्ट एक बात, काम की चीज सुन ले। अब पिछले लास्ट जो है ना वेनसडे, हर जगह पे पंजाब में ना प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा शदीद प्रोटेस्ट हुआ। उसके अगेंस्ट अब क्या किया है कि पीएमसी काउंसिल की ना कल मीटिंग होने चाह रही है 24th को। ठीक है, वो मीटिंग में अब डिसाइड करेंगे कि एनएलई को इम्प्लीमेंट करना है, पोस्टपोन करना है या क्या करना है। एट द सेम टाइम पीएमए पंजाब जो हमारी सारी काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बॉडी सारी यूनाइटेड है, और हम देख रहे हैं कि कल ये क्या डिसीजन करते हैं। उसके बाद हमने अपना लाया मिल इख्तियार करना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, एट एनी कास्ट हम एनएलई को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। कश्मीर राशिद, आपको उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, पता तो है आप लोगों को सबको, ये हमारी पीएमए से बिलोंग करती हैं, प्रेजिडेंट पीएमए रही हैं ये, और डॉक्टर्स इन्हें सपोर्ट करते रहे हैं थ्रू आउट हर कैरियर। इसने पीटीआई ज्वाइन कर ली, पीटीआई के बाद ये एमपीए बन गई पीटीआई की, और हेल्थ मिनिस्टर बन गई हमारी। हम सारी डॉक्टर कम्युनिटी बड़े खुश हुए कि चलें जी, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब में, अब हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। बट अनलकीली मायूसी के साथ वो मैडम हमारी जो है वो पीटीआई को जो है ना, वो पीटीआई ज्वाइन कर ली, और डॉक्टरों से उसने जितना वो दगा कर सकते थे और